दोस्तों आज हमें लास्ट टॉपिक को पढ़ना है, वो टॉपिक का नाम है एक्सक्रिएशन। इससे तो तुम परिचित ही होगे, जो तुम सुबह सुबह बाथरूम में जाते हो ना, वो भी एक्सक्रिएशन करने के लिए ही जाते हैं। टॉयलेट, लेट्रिन, ये सब एक्सक्रिएशन का ही एक पार्ट है। तुम्हारे शरीर से जो पसीना निकलता है ना, वो भी एक्सक्रिएशन ही है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एक्सक्रिएशन किसे कहते हैं। शरीर से फालतू पदार्थ का निकलने का प्रोसेस को एक्सक्रिएशन कहते हैं। वो फालतू पदार्थ कुछ भी हो सकता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट आउट ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन मतलब समझ गए होगे भाई। हम लोग क्लास 10 में नाइट्रोजेनियस वेस्ट हमारे शरीर से बाहर कैसे निकलता है, बस इसे जानेंगे। यार, नाइट्रोजेनियस वेस्ट ये ऐसा वेस्ट है ना, जिसको हमारे शरीर से बाहर निकलना जरूरी है। अगर वो हमारे शरीर से बाहर नहीं निकलेगा तो हमारी मौत भी हो सकता है। यार, ये नाइट्रोजेनियस वेस्ट होता क्या है? भाई, ये एक तरह का नाइट्रोजन ही है जो कि हमारे शरीर के लिए फालतू होता है। अलग अलग जीव में ये नाइट्रोजन अलग अलग फॉर्म में रहता है। कुछ कुछ जीव में अमोनिया के फॉर्म में रहता है, कुछ जीव में यूरिया के फॉर्म में रहता है और कुछ जीव में यूरिक एसिड के फॉर्म में रहता है। भाई, इसमें से ना सबसे ज़्यादा खतरनाक अमोनिया होता है, सबसे ज़्यादा जहरीला। उसके बाद मीडियम में यूरिया आता है और जो यूरिक एसिड है ना, ये एकदम कम खतरनाक होता है। खतरनाक ये भी होता है, लेकिन अमोनिया के कंपेरिजन में बहुत कम खतरनाक होता है। यार, समझ रहे हो ना, ये अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड ये नाइट्रोजन का ही एक फॉर्म है। जैसे कि ग्लूकोज, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म है ना, इसी प्रकार से। तो यार, अमोनिया एक्वेटिक एनिमल्स में बनता है, मछली, मेंढक, कछुआ, ये सब में अमोनिया बनता है वेस्ट के रूप में। और यूरिया मेमल्स में बनता है। मेमल्स वो सब जीव को कहते हैं जो जीव सीधा अपने जैसा बच्चा पैदा करता है। और यूरिक एसिड बर्ड्स और रिप्टाइल्स में बनता है। बर्ड्स चिड़िया को कहते हैं, रिप्टाइल्स रेंगने वाले जीव को कहते हैं। भाई, ये जो अमोनिया है ना, इसको शरीर से बाहर निकालने के लिए बहुत ज़्यादा पानी का ज़रूरत पड़ता है। और यूरिया को शरीर से बाहर निकालने के लिए मीडियम अमाउंट ऑफ वाटर लगता है, मतलब वैसा ज़्यादा कम भी नहीं, वैसा ज़्यादा ज़्यादा भी नहीं। और यूरिक एसिड को शरीर से बाहर निकालने के लिए एकदम कम पानी लगता है। देखते हो ना, चिड़िया सब एकदम पानी नहीं पीती है, उन लोग को दिक्कतें नहीं होता है निकालने के लिए, तब फिर क्या है। हम लोग थोड़ा मीडियम पानी पीते हैं, हम लोग मेमल्स में आते हैं। और जो एक्वेटिक एनिमल है, मछली उछली, वो तो दिन भर पानी में रहती है, वो लोग पूरा पानी पीती होगी। यार, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, हमारे शरीर में ना अमोनिया बनता है, लेकिन हमारे शरीर का जो लीवर है ना यार, वो अमोनिया को यूरिया में बदल देता है और किडनी में भेज देता है कि इसको निकाल दो कह के। हम लोग यूरिया को एक्सक्रिएशन के रूप में निकालते हैं, इसलिए हम लोग यूरिया वाला कैटेगरी में आते हैं। चलो, तब अब हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम के बारे में। हम लोग कैसे अपने अंदर का नाइट्रोजेनियस वेस्ट को शरीर से बाहर निकालते हैं। देखो यार, ये किडनी है। किडनी क्या करता है? किडनी खून से यूरिया को बाहर निकाल लेता है, खून को छानता है और खून में जितना भी वेस्ट होता है ना, उसको बाहर निकाल लेता है। कैसे कैसे निकालता है ये भी हम लोग पढ़ेंगे, बस अभी ऊपर ऊपर समझो। उसके बाद यहाँ पर मैं दो पंप बना रहा हूँ, पाइप बना रहा हूँ। ये दोनों पाइप रीनल आर्टरी और रीनल वेन है। लाल वाला रीनल आर्टरी और ब्लू वाला रीनल वेन। रीनल आर्टरी से खून किडनी में घुसता है, उसके बाद किडनी खून से जितना भी कचरा उचड़ा होता है सबको निकाल लेता है और फिर रीनल वेन में भेज देता है, और जो नाइट्रोजेनियस वेस्ट है उसको इसमें भेज देता है। अभी जो मैं बना रहा हूँ इसमें, इसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लेडर। उसके बाद इसमें जो वेस्ट है वो जमा होता है और लास्ट में यूरेथ्रा के रास्ते निकल जाता है। एक बार फिर सुनो, ये किडनी है। किडनी बीन का बीज जैसा दिखता है और वो हमारे शरीर में दो किडनी होते हैं। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर हमारे शरीर में एक ही किडनी हो तो, यार एक किडनी से भी काम चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। जो काम दो किडनी करता है वो काम एक किडनी भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन फिर भी अब भगवान दो को किडनी बना के दिया है, तब फिर क्या टेंशन। और ये जो पाइप देख रहे हो ना, ये यूरेटर है, ये भी एक पेयर होता है, मतलब दो होता है। और ये यूरिनरी ब्लेडर है, इसी में यूरिन आके जमा होता है। ये यूरेथ्रा है, इसी के रास्ते यूरिन बाहर निकलता है। यूरिन मतलब टॉयलेट बाहर निकलता है। बहुत लोग का इसमें कन्फ्यूजन होता है यार कि ऐसा सिर्फ मेल में होता है। नहीं यार, मेल में भी ऐसा ही होता है, फीमेल में भी ऐसा ही होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता।
यूरिन निकलने का रास्ता बस थोड़ा सा अलग होता है, बाकी सब सेम होता है। चलो अब किडनी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ऊपर ऊपर जानेंगे, उसके बाद में अंदर का चीज जानेंगे। देखो किडनी के ऊपर ये सी शेप में जो है ना, सी शेप में ऐसा, इसको कॉर्टेक्स कहते हैं, CORTEX। और यहाँ पर किडनी में एक गढ़ा है ना, गड्ढा टाइप से दिख रहा है, उसको हाइलस कहते हैं। और किडनी के बीच में ट्रेंगल शेप में जो रहता है ना, उसको मेडुला बोलते हैं, MEDULA। किडनी के मिडिल में है तो मेडुला, ऐसा करके याद करना यार। जैसे हमारा शरीर सेल से बना हुआ है, हमारा दिमाग न्यूरॉन सेल से बना हुआ है, इसी तरीके से हमारा किडनी नेफ्रॉन से बना हुआ है, नेफ्रॉन, इसी को यूनिट ऑफ किडनी बोलते हैं। भाई ये जानकर तुम हैरान हो जाओगे कि एक किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं। तो किडनी के ऊपर ऊपर वाला चीज़ तो जान गए, थोड़ा रीनल आर्टरी और रीनल वेन के बारे में जान लो। ये रीनल वेन है और दूसरा रेड कलर का रीनल आर्टरी है। या रीनल आर्टरी में वैसा खून आता है जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, रीनल आर्टरी में वैसा खून आता है जिसमें नाइट्रोजेनियस वेस्ट होता है, उसके बाद वो खून किडनी में जाता है, किडनी में खून से नाइट्रोजेनियस वेस्ट निकल जाता है और वो खून सीधा रीनल वेन में चला जाता है। ध्यान देना, रीनल आर्टरी में नाइट्रोजेनियस वेस्ट वाला खून रहता है, लेकिन रीनल वेन में नाइट्रोजेनियस वेस्ट फ्री खून रहता है, वैसा खून रहता है जिसमें कोई नाइट्रोजेनियस वेस्ट ना हो। वो बात अलग है कि रीनल आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है और रीनल वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। तो यहाँ पर हम लोग नाइट्रोजेनियस वेस्ट का बात कर रहे हैं ना यार, यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड इसका बात छोड़ो, ठीक है। अभी जो पढ़ रहे हैं बस उसमें ध्यान दो। एक चीज़ मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि जो हमारा राइट किडनी होता है ना यार, उसके ऊपर लीवर रहता है, इसलिए राइट किडनी लेफ्ट किडनी से थोड़ा नीचे होता है, लेफ्ट किडनी थोड़ा ऊपर होता है, राइट किडनी थोड़ा सा नीचे होता है। साइज में अंतर नहीं होता, साइज उतना ही बड़ा होता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे खाली हो जाता है। यूरेटर से यूरिनरी ब्लेडर में आता है, यूरेटर एक पाइप है यार, वो पाइप के रास्ते नाइट्रोजेनियस वेस्ट यूरिनरी ब्लेडर में आ जाता है और इसमें जमा होने लगता है। जब पूरा भर जाता है तब तुम्हें पेशाब लगता है और तुम जाते हो टॉयलेट करने के लिए। भाई ये जो यूरिनरी ब्लेडर है ना, ये अजब किस्म का टिश्यू से बना हुआ रहता है, ट्रांजिशनल इपिथिलियम टिश्यू से बना हुआ होता है। ये टिश्यू में एक खासियत होती है कि ये फैल भी सकता है और वापस सिकुड़ भी सकता है। तो जब इसमें टॉयलेट भरेगा तो ये फैल जाएगा और जब तुम टॉयलेट कर लोगे तो ये फिर सिकुड़ जाएगा, वापस अपने रियल इस्टेट में आ जाएगा। एक जवान आदमी का यूरिनरी ब्लेडर में 250 ml यूरिन जमा हो सकता है, वो 250 ml से ज़्यादा टॉयलेट रख नहीं सकता, बहुत ज़ोर से उसको टॉयलेट लगने लगेगा। भाई ये जो फोटो तुम देख रहे हो ना, ये नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन का दो पार्ट होता है, एक आगे वाला और एक पीछे वाला। पीछे वाला बाद में देखेंगे, पहले आगे वाला देखते हैं। भाई नाम तो जान लेते हैं, नाम जानने में क्या है, आगे वाला का नाम है रीनल कॉर्पस्कल, रीनल कॉर्पस्कल, और पीछे वाला भाग का नाम है रीनल ट्यूबुल। रीनल कॉर्पस्कल और रीनल ट्यूबुल, रीनल कॉर्पस्कल, रीनल ट्यूबुल, रीनल कॉर्पस्कल, रीनल ट्यूबुल, 8-10 बार बोलो याद हो जाएगा। रीनल कॉर्पस्कल का दो भाग होता है, एक कटोरा जैसा, जो कप जैसा दिख रहा है ना यार, कैप्सूल टाइप से दिख रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल। कैप्सूल जैसा दिख रहा है तो इसको बोमेंस कैप्सूल ही बोलेंगे। यहाँ पर जो कटोरा जैसा दिख रहा है ना, कप जैसा, तो क से कप, क से कैप्सूल, क से कटोरा। और वो कटोरा के ऊपर जो नस सब दिख रहा है ना बहुत ज़्यादा, वो नस सब को ग्लूमेरुलस कहते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लूमेरुलस। बोमेंस कैप्सूल और ग्लूमेरुलस, बोमेंस कैप्सूल, ग्लूमेरुलस, याद करना। रीनल कॉर्पस्कल का दो भाग, ग्लूमेरुलस, बोमेंस कैप्सूल। भाई बाकी सब का काम तो अब नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे, आज के लिए तो बस इतना ही। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।